कोई तो तरीका होगा। नहीं, अब जो कुछ भी है वो आपकी वाइफ के नाम है। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए जो कि इस वक्त आपकी नहीं है, वो उसी सूरत में मुमकिन है कि वो आपकी वाइफ खुद आपके नाम करे। तो बच्चे? हाँ, बच्चे आपकी कस्टडी में हैं। अगर आप ना देना चाहें तो वो कोर्ट से रुजू करेगी, जबरदस्ती नहीं कर सकते। वैसे ये है बहुत मुश्किल काम है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किसी के नाम हो और वो खुद अपनी मर्जी से बगैर किसी कीमत के किसी दूसरे के नाम कर दे। प्रॉपर्टी तो वो मेरा नाम करेगी, वजह मैं खुद डिसाइड करूँ। ठीक, देखते हैं। तुम तो उसको डिवोर्स देने वाले थे। हाँ, इसीलिए गया था मैं लॉयर के पास, लेकिन उसने कहा लीना को इस वक्त डिवोर्स देने का मतलब है अपने दोनों हाथ कटवाने। वो सब कुछ अपने साथ ले जाएगी जो अम्मी ने उसके नाम की। तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी जिंदगी प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम इसे बीवी बना के रखोगे? हाँ रमा, मैंने कब कहा ऐसा? मैं ऑलरेडी बहुत उलझा हुआ हूँ, प्लीज मुझे इस मामले से निकलने के लिए सोचने का मौका तो दे।